भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा की है। संभल से जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जो बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है, संभल से जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होंगे। सपा ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है, जिसमें आपको बता दें कि संभल से जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। आपको बता दें कि संभल सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और वहां से सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क, जिनके पोते हैं जियाउर रहमान बर्क, और अब उनको टिकट दिया गया है। विधायक भी हैं जियाउर रहमान बर्क। बागपत से बनाव चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना को टिकट दिया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है। पीलीभीत से भगवत सरान गंगवार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। घोसी से राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, ये बड़ी अपडेट। मिर्जापुर से राजेंद्र एस बेन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। संभल से जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे और साथ ही बागपत से मनोज चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। गौतम बुद्ध नगर में राहुल अवाना को टिकट दिया गया है। पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। घोसी से राजीव राय पर भरोसा जताया है। मिर्जापुर से राजेंद्र एस बेन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है। और तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, देखिए एक और लिस्ट समाजवादी पार्टी ने आज जारी कर दी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सूची है क्योंकि इस सूची में पीलीभीत से कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया गया है। भगवत सरण गंगवार को पीलीभीत से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वरुण गांधी के टिकट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तो ये साफ है कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है। दूसरा इसमें बड़ा नाम भी है कि घोसी से राजीव राय को, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनका नाम काफी दिनों से चल रहा था घोसी के लिए और वो वहां पर तैयारी भी कर रहे हैं घोसी लोकसभा सीट पर, तो उनको अखिलेश यादव ने लोकसभा का प्रत्याशी घोसी सीट पर बनाया है। घोसी में पिछली बार बहुजन समाज पार्टी जीती थी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिसमें शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया है संभल से, और बागपत से मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा से राहुल अवाना को टिकट दिया गया है। लेकिन पीलीभीत में जो भगवत सन गंगवार है, ये अखिलेश यादव की सरकार में पहले मंत्री रहे हैं और उनको वो बरेली और आंवला पीलीभीत के इलाके से आते हैं, वहां से उनको टिकट दिया गया है। तो ये साफ है कि जो नाम वरुण गांधी को लेकर चल रही थी चर्चाएं कि उनको टिकट दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी दे सकती है, तो ये साफ है कि वरुण गांधी सपा में नहीं आ रहे हैं, वो बीजेपी में ही है और अभी बीजेपी की कोई लिस्ट नहीं आई है। समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब वो वरुण गांधी के सामने चुनाव लड़ेंगे भगवत सरण गंगवार, तो बीजेपी अब उनको टिकट देती है कब घोषित करती है या उसके ऊपर है। मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद को प्रत्याशी घोषित किया गया है और वहां पर अनुप्रिया पटेल, चूंकि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव लड़ती हैं अपना दल की, उनके मुकाबले राजेंद्र बिंद को समाजवादी पार्टी ने चुनाव में उतारा है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट नामों का ऐलान इसमें हुआ है। जी ठीक है वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी अपडेट सामने आई है, समाजवादी पार्टी ने एक और सूची जारी कर दी है।